वालेकुम कैसे आप सब लोग अच्छा मैंने आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट मंगवाया था जैसे बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं वो शेयर करती हूँ उसका रिव्यू कि वो वर्थ बाइंग है या नहीं है और इसके अलावा थोड़ी सी चीजें नाश्ते का मिला हो वो आप लोग देख रहा, फिर आगे मैं आप साथ एक बहुत बात करना चाहती हूँ से तो उस पर डिस्कशन करेंगे ठीक है कितने प्यारे ईशा कमाल और भाई हमारी हो रही है यहाँ पार्टी ये मैंने बनाया है चिप्स और आलू आप मीठे लेकर आए हो जान मेरे स्पेगेटी पैकेट ही क्यों छुपा दी है ये मैंने शबाना से मंगवाई थी मैं लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से ना आप लोग भी खाना वगैरह मंगवा सकते हो और पॉलर का भी कोई काम करवाना हो आपने घर पे बुला तो उनका इंस्टाग्राम लिंक लगाऊंगी यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना पार्सल पैक करवाऊंगा हमारी ख्वाहिश है तो कोई मसला ही नहीं थक गए थे अभी है सुबह का टाइम मैं बना रही हूँ नाश्ता ईशा जो है वो रात को ही चली गई थी एक्चुअली उसके मामा के पास वेवर नहीं है ना तो मेरे पास था वेवर तो उसने हेयर स्टाइल बनवाना था शादी पे जाने के लिए पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है कि नहीं देखी मेन चैनल पे लगी हुई आप लोग देख लेना तो एक ही रोटी का आटा था मैंने जल्दी से वकाश के लिए तो बना दिया था नाश्ता क्योंकि उन्होंने जाना था प्लॉट पर फिर अपने लिए अभी आटा गूंदने लगी हुई छान के क्योंकि बारिश का सीजन है ना तो आटे में वो सुरीली सुसरी जो होती है ना वो हो जाती है उसके बाद मैंने अपने फ्रिज वगैरह साफ किए सारे फ्रिज साफ किया था मैंने डिस्पेंसर साफ किया था अपना ओवन मैंने साफ किया था क्योंकि ना मैंने इस पूरे वीक जो ना ख्याल नहीं रखा था और काफी गंदा हुआ हुआ था फ्रिज वगैरह क्योंकि ना बच्चे दूध गिरा देते हैं कोई ना कोई चीज गिरा देते हैं छोटे बच्चों वाला घर है आपको पता है छोटे बच्चों वाले घर में चीजों को मैंटेन रखना भी ना एक मतलब टास्क होता है आपके लिए तो बस फ्रिज साफ हो गया थोड़े बहुत जो जर्रे वगैरह वो मैं कपड़ा मारूंगी उसके बस ड्राई करने के लिए तो वो भी सारे साफ़ हो थिंग इज देट कि ये जो चीज है ना ये काफ़ी ज़्यादा वायरल थी ओवर एंड कुकवेयर क्लीनर ठीक है आपको नजर भी आ रहा होगा ये सेम वही चीज ज है और ये चाइना से इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में इसका ऐसा होता है कि इस तरह के बर्तन पर लगाते हो आप तो वो बर्तन साफ़ सुथरा हो जाता है ठीक है अब मैंने धोना ये तवा और मैंने इसके लिए स्पेशल मंगवाया या मैं इसको देख रही हूँ कि ये वर्द बैंक है कि नहीं है मैं इसको खोलने लगी हूँ इसको कुछ देर हम इसको लगा के छोड़ देते हैं जो तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इसे साफ करना है तो उन्होंने कहा बर्तन जो है ना सही ऐसे साफ सुथरा हो जाता है और इसी प्रोडक्ट का जो वायरल वीडियो है ना वो भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को आइडिया जाएगा कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ ठीक है तो इसका कैब खोलते हैं यहाँ से इस तरीके से इसका कैब खुलेगा ये और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है खुशबू तो इसके अंदर ऐसे आ रही है जैसे सोप की होती है खुशबू वैसे खुशबू आ रही है और हल्का सा वेट भी है ये प्रोडक्ट तो जाना इसको मैं हल्का सा गीला करके इसके ऊपर लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है ठीक है।, है इसको पहले मैं भिगो लूँ तबे को अच्छे से और आपके सामने सही अलग <laughs> अलग साफ़ हो जाए वैसे मुझे पता यकीन नहीं है कि ये प्रोडक्ट वर्क करेगा क्योंकि यूज़लेस ही होती हैं इस तरह मोस्टली चीज़ें तो लेट सी तो वर्क करता है कि नहीं करता है इसको लाइट में निकाल के रख लूँ और इसको मैं डालूँ इसके ऊपर ज़रा ऐसे ओके okay, अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा के छोड़ना है कुछ देर ठीक है ये तवा हिल रहा है मेरा मैंने एक हाथ से वो आके उतर तो रहा है वैसे इससे चलें थोड़ी देर लगा के छोड़ देते हैं सारा उतरता है कि नहीं उतरता ठीक है तो मैं इसको ना सारे में फैलाने लगी हूँ अगर तववा साफ हो गया ना सारी खातन की तो मुश्किल ही हल हो जाएंगी भाई नहीं क्या कहते हैं आप लोग साफ होगा कि नहीं होगा थोड़ी देर बाद देखते हैं आके तो ये मैंने तब्वे पे लगा के छोड़ दिया ठीक है इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया मैंने अभी छोटे वाला मंगवाया था वर्क किया तो फिर बड़े वाला मंगवा लूंगी इसको लगे हुए आधा घंटा हो चुका है अब मैं इसको जो है वो साफ करने लगी हूँ तो मैंने ना स्कॉच ब्राइट नहीं मारा मैंने तारे मारी थी क्योंकि मुझे था कि स्कॉच ब्राइट से साफ नहीं होगा तारों से साफ हो जाएगा क्योंकि आपको पता है तारे ही मारता है जब बर्तन चमकाना हो तो फिर मैंने अच्छे से जो है वो तीन चार मिनट तक तारे रगड़ी है इसके ऊपर तारे मेरी घिस गई पर ये कालक नहीं हटी थोड़ी सी हटी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको वॉश करने के बाद तो देखें साइडों से जो हटी है ये उसी की वजह से हटी और जो ऑयल है ना वो तो वो बात है साथ ही सारा ऑयल सॉक कर लेता है जो चीज़ जो भी है नाम तो उसका कुछ है नहीं चाइना में लिखा हुआ है तो जहाँ तक इतना हटा है, तो मुझे लग रहा है चार पांच दफा में और भी हट जाएगा मैजिकल वर्क नहीं करता तो वो फॉल से प्रमोशनल वीडियो के बाद ये वाला वेवर है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल था टिकटॉक पर यह फाइव बेरियल वाला वेवर और इससे बहुत ही हसीन वेव डलते हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है तो ये एक पेज था जिसके पास अवेलेबल था ये लॉट का माल होता है आईफेन्स का ये है और इसके ना बहुत ही कम पीसेस पड़े हैं इसलिए मैं आपके साथ ब्लॉग पे भी शेयर कर रही हूँ कि जिसने भी खरीदना है जल्दी से खरीद लो फिर सेलून इसका आगे तरह ना ये मिलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आला प्रोडक्ट और बहुत कम आता है ये प्रोडक्ट इसके साथ आपको फाइव क्लिपर और एक जो है ना वो ग्लव भी मिल रहा है फ्री में और इससे आप बहुत ही आला किस्म का डाल सकते हो ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट आया हुआ है मैं आपके लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लगा दूंगी आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हो अगर मेरा रिव्यू देखना है आपने इस पर डिटेल तो मैंने अपने मेन चैनल पर डाला ईशा के बालों पर करते हुए तो आप वो भी देख सकते हो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है और इसीलिए मैं आपके साथ वाले चैनल पर भी शेयर कर रही क्योंकि इसके बहुत ही थोड़े से पीसीस हैं फिर आपको मिलना नहीं है बाद में ऐसा प्रोडक्ट क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट भी बंद हो गई है तो जिसने भी लेना जल्दी से जाकर खरीद okay, भाई जैसा कि आप सबको पता है कि आमिर लिया जो है वो भी इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह तबारिका उनकी फरमाए उनके आगे आने वाली मंजिल आसान फरमाए उनके दर्जात बुलंद करे उनको में मुकाम फरमाए जब उन्होंने तीसरी शादी की थी ना तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और वहां पे काफी सारे ऐसे लोग थे जो मुझे बोल रहे थे अगर वकास भाई से शादी करें तब आपका रिएक्शन क्या होगा या वकास भाई दूसरी शादी करें तो क्या आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगी या नहीं करेंगी तो उसमें मैंने सबको सब यही बोला था कि भाई अगर मैं उनके हकूक अदा नहीं कर सकूंगी तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शादी इस्लाम ज्यादा देता है उस चीज की उनको तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान या इंडिया का जो कल्चर है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे दूसरी तीसरी शादी को अच्छा नहीं समझा जाता हालांकि इस चीज में कोई बुराई नहीं है हर साहबा इग्राम की चार चार बीवियां थी हजरत अली की चार बीवी तो साथवी साल के बाद तो इस चीज के तो इस्लाम ने इजाजत दी है और किसी वजह से दी है क्योंकि अल्लाह तबारिक ने मर्द को बनाया और अल्लाह को पता है कि मर्द की क्या हैं बस ये है कि आप चारों बीवियों में अदल रखो दो हैं तो दो में अदल रखो तीन है तो तीन में अदल रखो और आमिर लिया जब तीसरी शादी की थी तो उनके पास उनकी दूसरी बीवी भी नहीं थी उनकी दूसरी बीवी भी उनसे खुला ले चुकी थी उन्होंने खुद डिवोर्स नहीं किया था उनको और उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि भाई एक तो पहली बात कि उनके घर का मसला है देखिए उन्होंने ना मेरे साथ कुछ बुराई की ना आपके साथ कुछ बुराई की बल्कि मुझे तो जितनी उनकी चीजें याद है ना उनमें कोई चीज़ मुझे नहीं याद जैसे आलिम ऑनलाइन उनका प्रोग्राम था रमज़ान मैंने तो जब से आमिर लिया रमज़ान ट्रांसमिशन छोड़ी मैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन ही नहीं देखी मैं फाहज मुस्तफ़ा का जो प्रोग्राम आता है आप सब देखते हो अक्सर मुझे लोगों के घरों के बाहर से गुजरते सुना देता मैं वो भी नहीं देखती हूँ मैं मतलब मैंने उनको देखा हुआ है कि उनका रमज़ान ट्रांसमिशन होता था वो क्यों मोबाइल को सेल करते थे क्यों मोबाइल पाकिस्तान का अपना मोबाइल बोल के और आलिम ऑनलाइन जिस तरीके से जिस टाइम पर इतनी पाकिस्तान में वो हुई हुई थी मतलब हर जो था फिर एक दूसरे से लड़ रहा था और इसके अलावा टारगेट हो रही थी शिया सुनी को मारे थे सुनी शिह को मारा था उस टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया था इतना रिस्क लेके और उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हुए थे और सारे फिर के आपस में बैठ के जब वो मसले हल करते थे और सब एक ही जगह पर आके जो है वो रुकते थे तो कितना वो सबको याद होगा आलिम ऑनलाइन तो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था और उसकी वजह से आमिर लियात का नाम जो है दुनिया के जो बासर शख्सियात होती उसमें आया था तो अब जो ये सारा सिलसिला आपको पता है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसकी बहुत दफा मजम्मत की थी कि भाई हस्बैंड और वाइफ की पर्सनल चीज़ें बाहर आनी नहीं चाहिए और मैं ये चीज़ें आपको और भी यूट्यूबर के हवाले से भी बोलती रहती हूँ बहुत दफ़ा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के आप सोशल मीडिया के ऊपर आके हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को इतना गंदा कर दिया है ना कि इस रिश्ते की इज्जत ही नहीं छोड़ी कि आने वाली जनरेशन जो ये चीज़ें देख रही है ना छोटी छोटी बच्चे हैं क्या देख रही हैं कि छोर की कोई इज्जत ही नहीं है छोर की छोर को ना दो टके करके रख दिया हालांकि अभी उनकी डिवोर्स भी नहीं हुई थी अभी वो उनके निकाह में थी उन्होंने तनसीख निकाह के लिए दायर किया था जो भी उसके बावजूद भी उन्होंने वो चीज़ें पब्लिक कर दी

को जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं मैं किसी के साथ क्या कर रही हूं बताएं मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ मेरी वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा कि मुझे गालियां कुछ भी करें फिर भी लोग देते हैं बस ऐसे ही अपने दिल की तस्किन के लिए और वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह तला तो है ना अल्लाह तला तो देख रहा है ना अगर वो इस दुनिया में ना सही आपको कुछ नहीं आपको लगता है कि वैसा तो ऐसा होता नहीं है दुनिया मुकाफात अमल है दुनिया में इंसान भुगत के जाता है जो वो करता है लेकिन अगर इस दुनिया में आपको है ना कि हमें इस दुनिया में कोई देख नहीं रहा किसी को क्या पता कि कौन मैसेज कर रहा है कौन कमेंट कर रहा है कौन मजाक बना रहा है कौन क्या कर रहा है किसी को क्या अल्लाह तो देख रहा है ना आपको अल्लाह से भी खौफ नहीं आता इस तरह की हरकतें करते हैं जिन्होंने आमिर लियाकत के लिए भी ये सब कुछ किया और जो सबसे जो गलत चीज थी ना वो ये थी कि जब दानिया शाह ने वो वीडियो निकाली थी ना सबको दान शाह को उसी टाइम लताड़ना चाहिए था क्योंकि अगर यही चीज आमिर लियाकत करता ना आमिर लियाकत लिया की कोई वीडियो लीक करता उसके बाद आप देखते कैसा तूफान खड़ा होना था क्योंकि वो मर्द था ना किसी ने नोटिस ही नहीं लिया हालांकि मैंने तो बहुत ही स्टैंड लिया था मैंने बार बार बोला था कि नहीं होना चाहिए हस्बैंड वाइफ है एक रिश्ता है बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिश्ता है कुरान शरीफ में बार बार आया हुआ है कि शोहर बीवी का और बीच TV शोर का लिबास है कि ऐसी चीज जब बोली गई है इसका मतलब क्या है कि मतलब शोर को बीवी के और बीवी के शोर को ऐसी बातें बताती है जो मां बाप को भी पता नहीं होती है तो उसने उस रिश्ते की इतनी बेहरमत की और सब लोगों ने उसके फेवर की बस मैं इस चीज को कंडेम करना चाहती थी अपने चैनल के थ्रू क्योंकि मुझे मेरे पास एक चीज है तो मैं रही थी कि मेरी राय आप सब तो पूछे कि मेरी इसमें क्या राय देखिए ये मेरी राय है मैं इस चीज को कंडेम कर रही हूं मैंने चाहती थी कि ऐसी कोई चीज और मैं तब भी चाहती थी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए जैसे किसी लड़की की वीडियो वायरल होती है और फौरन से आई टी वाले हटवाते हैं उसको आमिर लिया की वीडियो भी इनको हटवानी चाहिए थी इस टाइम और इसके खिलाफ एक्शन

जो भी था वो उसका पर्सनल था उसके घर का मसला था वो जाने आमिर लिया जाने हम लोग कौन होते थे उसको क्रिटिसाइज करने वाले उसको बुरा भला बोलने वाले वो सत्तर शादियां करता हम कौन होते थे कहने वाले उसके घर का मसला था यार वो पता नहीं क्यों इतना इशू बनाया गया क्यों इतनी मीम्स बनी क्यों उसको इतना वो कर दिया कि मैं जब वो उसका उनका इंटरव्यू सुन रही थी वसीम बदामी भाई का कि वो बोल रहे थे मैंने नाम लिया को, को फोन किया वो चीखे मार मार के रो रहे थे तो देखें हमने उनको किस कंडीशन में पहुंचा दिया बात करते हुए मेरी आंखें भीग रही हैं कि बच्चों को भी उनसे दूर होना नहीं चाहिए था ठीक है क्या बच्चे गलती नहीं करते क्या जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप तो फौरन से माफ़ कर देते हैं हमने नहीं गलती की है कि हमारे माँ बाप तो माफ़ कर देते हैं माँ बाप की गलतियों को क्यों हम लोग इसे कर लेते हैं और वो भी कोई गलती क्या थी उन्होंने शादी की थी यार ठीक है नाराजगी थी हस्बैंड वाइफ की नाराज़गी थी इतनी भी क्या नाराज़गी कि जिसने पूछा ही नहीं बाप को पलट के सब गलत हैं सब सब ने बहुत गलत किया खैर वो शख्स इस दुनिया से चला गया तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी फातेहा करें उनके लिए दुआ करें उनके लिए अल्लाह तला से उनकी मफ़रत की दुआ करें क्योंकि जो हमें ना इंसान की ना अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए मैं कहती हूँ मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ ना मेरे एक बंदा अगर सौ दफा बुरा कर देगा ना लेकिन उसने मेरे साथ एक दफा नेकी की होगी ना मैं उसको याद रखती कि यार इस बंदे ने फलान जगह की थी तो मैं इसको नहीं भूलूंगी इस बात को मैं उसकी नेकी याद रखती हूं तो आप लोग भी उनकी वो अच्छी चीजें याद रखें मुझे तो उनकी अच्छी चीजें याद है मुझे उनकी कुछ भी बुरी चीजें याद नहीं मुझे उनका अली ऑनलाइन याद है मुझे उनके रमजान ट्रांसमिशन याद है वो नाते पढ़ते थे मुझे ये वो याद है वो जो रो रो के दुआएं करवाते थे मुझे याद है मुझे उनकी कोई बुरी चीज नहीं याद मुझे ये भी पता है कि कितने लोगों के घर चल रहे थे उनकी वजह से कितने लोगों के इलाज करवाए उन्होंने ऑपरेशन करवाए कितने लोगों के कितने गुमशुदा बच्चों को मिल मिलाया अभी आप देखना सब लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि हमारे घर का खर्चा चला देते ये करते थे वो वो करते थे मतलब ऐसे काम जो वो छुपे हुए करते थे वो बताते भी नहीं थे किसी को उनके दोस्त बता रहे हैं कि हमें कॉल करते थे वो बोलते थे छोड़ दो डिटेल वगैरह कितने पैसे चाहिए क्या करना है बेशक उनके पास हो ना हो वो उनकी मदद करते थे तो बस अल्लाह तबारी तो मतलब को पता नहीं कौन सी नीकी पसंद आ जाए तो इसलिए आप सब लोग को उससे दरख्वास्तफ फातिहा पढ़ें उनके लिए दुआ कर दीजिएगा आप लोग और बस यार किसी को भी ना इस हद तक अजियत मत पहुंचाया करें कि एक तो वो कोई सख्त स्टेप ले ले या वो इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो दुनिया ही छोड़ के चला जाए दूसरा ये है कि यकीन करें मैं अपने ऊपर रख के बताती हूँ ना कि जब मुझे भी कोई ऐसा कमेंट आता है या मुझे कोई इनबॉक्स में कोई इस तरीके की बात करता है मुझे बहुत दुख लगता है कोई बहुत फेमस नहीं हूँ मैं आम सी बंदी हूँ माँ हूं मैं ठीक एक दफा तो मुझे इतने अजीब अजीब कॉमेंट आए हुए थे कि मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं सारा कुछ छोड़ के मैंने वजू किया मैं सजदे में गिरी और मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई मैं कहती हूँ अल्लाह ताल यार मुझे समझ में नहीं आ रहा अल्लाह तैयार मैं क्या ऐसा कर रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों से मुझे अभी भी मुझे तस्वीर से रिलटेड इतने अजीब अजीब कमेंट आता गलत गलत नहीं नहीं मेरे, मेरे है, क्या होता है? कि आपकी जो बात है ना आपके आगे जरूर आएगी और मुझे इस चीज का यकीन है क्योंकि कि मैंने किसी के साथ कोई ज्यादा नहीं की है मैंने आपके साथ भी कोई ज्यादा नहीं की जो उल्टे सीधे कॉमेंट करते हैं मतलब मैं इतना चीज से बेशक मैं जितना मर्जी बोलू मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क नहीं पड़ता नहीं फर्क पड़ता है इंसान अफेक्ट होता है सो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे ना उसका फर्क नहीं पड़ेगा एक हेड कमेंट होता है उसका बहुत फर्क पड़ता है लेकिन फिर वही बात है कि जिन लोगों के घर का माहौल ऐसा है क्योंकि हर बंदा ना अपनी जबान से अपने घर का माहौल दिखाता है और वो खुद कैसा है वो ये दिखाता है जो कोई गलत बात करता है ना वो तो बंदा खुद गलत होता है इसलिए वो बात करता है जो बंदा सही होगा ना वो मेरे कभी मैंने क्यों नहीं कमेंट किया जा कभी जाके आमिर लियात की वीडियो पर या कितने लोग होंगे नीचे जो कहेंगे कि हमने तो कभी कमेंट नहीं किया आप ही हमें क्या लगे किसी की पर्सनल लाइफ में हम घुसे या कुछ भी करें इस तरह कोई मसले हो हम नहीं करते सर कमेंट अब जैसे एक यूट्यूबर की डिवोर्स का मसला इतना उठाता है इतना उठाता था, कि इतने लोगों ने वीडियोस बनाई हमने तो नहीं किया हमने बोला यार उनका पर्सनल है है हमें क्या जरूरत हम बनने का वो लोग अपना समझते हैं तो जो लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं करते लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बगैर वजह उल्टे से जेलिस में या जिस भी चीज में अक्सर लोग तो मुझे ये करते हैं। तुम अपनी गई। तुम कहां से आई तुम कहां से आई थी भाई में कहा से आई थी मुझे बताओ मैं से बड़ा अफेक्ट होती हूँ यार कुछ भी करने जरूर सोचा करो कि अल्लाह आपको देख रहा है आप जो करोगे हर उस अमल का आपको जवाब देना है अल्लाह के सामने लाजमी किस मुंह से जाओगे अल्लाह के सामने और क्या बोलोगे अल्लाह के सामने ये आज की वीडियो थी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर, जरूर करना और कॉमेंट करके जरूर, जरूर बताना कि आप लोगों के इस बारे में क्या रहा है अल्लाह हाफिज